अस्सलाम वालेकुम। हमारे जैसे कि मेकअप की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं हेयर और मेकअप की, तो आज हम आईज़ मेकअप कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ या आई मेकअप शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले ही हमने प्राइमर लगा लेते हैं इनकी आईज़ के ऊपर। अच्छा, बस हमने बेस वगैरह कुछ नहीं बनाई है फेस की, जस्ट कंसीलिंग की है और आईज़ मेकअप कर रहे हैं। तो ये हमारी स्टूडेंट हैं जिनके ऊपर हम आज ये आईस बेसिक आई मेकअप की एप्लीकेशन करके तो अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ट्रेन कर रहे हैं। तो आई बेस लगाने के बाद ब्लेंडिंग ब्रश के साथ ये हम ये चार कलर हैं ये यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ये सबसे जो न्यूट कलर है, बिल्कुल लाइट सा जो स्किन सा कलर है, वो हम सॉकेट पे लगा लेते हैं इस तरह से। अच्छा, देखिए हमने बेस नहीं बनाई हुई है, तो फिंगर्स के साथ मैंने दोनों जो आईब्रो है उनको लिफ्ट किया हुआ है, तो ये हमारे पास बड़ा अच्छा एक स्केच सा आ जाता है और बड़े अच्छे तरीके से आईज मेकअप दोनों में बड़ी जल्दी हो जाता है। अब ये थोड़ा सा जो लाइट ब्राउन सा कलर था वो हम सॉकेट पे लगा लेते हैं। पहले हमने बिल्कुल स्किन सा कलर लगाया था, अब उसके ऊपर ही है ये बिल्कुल लाइट ब्राउन सा कलर है वो लगा लेते हैं। और ये दोनों आँखों के ऊपर एक साथ ही मेकअप हो रहा है, यूँ नहीं हो रहा कि पहले एक पे करें फिर दूसरे पे करें। अब ग्रेजुअली उससे थोड़ा सा डार्क लिया है और अब ये मिड सॉकेट से लेके आउटर की तरफ जा रहे हैं। पहले हमने जो लाइट ब्राउन था वो हमने पूरे सॉकेट पे लगाया था, लेकिन अब ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन है, ये अब मिड सॉकेट से लेके आउटर की तरफ जाते हैं। ये बेसिक आई मेकअप है, इसको आप जितना भी ज़्यादा फैंसी करना चाहें, जितना ज़्यादा लाइटर की तरफ लेके जाना चाहें, जिस तरह से इसको आप करना चाहें आप कर सकते हैं। इसको आप ब्राइडल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा ब्लैक कलर है और ये मैंने अब ये पेंसिल ब्रश लिया, एक पेंसिल ब्लेंडिंग ब्रश होता है वो लिया, और ये बिल्कुल अब कॉर्नर के ऊपर लाइट लाइट सा लगा लेते हैं। और फिर जो हमने ब्राउन कलर लगाया था, लाइट ब्राउन सा कलर था, उसके साथ हम उसको ब्लेंड कर देंगे। इस तरह से आपने ब्लेंडिंग कर देनी है। और ये बिल्कुल जो ब्लैक कलर है जस्ट कॉर्नर कॉर्नर के ऊपर है और ग्रेजुअली ब्लेंड होता हुआ लाइट सा बिल्कुल सॉकेट पर चला गया है। ये देखें, ये अब हमारा आइस का बिल्कुल स्केच रेडी है। अब ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, लिड एरिया है, इस पर हम वर्किंग करेंगे। और ये मैंने फ्लैट ब्रश ले लिया है और ये हमारा गोल्ड कलर है, और इसको ब्रश को हल्का सा वेट करके गोल्ड कलर लिया, और इस तरह से अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं, लिड एरिया के ऊपर लगा देते हैं। अब सॉकेट को बिल्कुल गायब नहीं करना, बस सॉकेट को अपने फिनिशिंग करनी है। लिड एरिया के ऊपर इस तरह से लगाना है कि सॉकेट लाइन जो वो फिनिशिंग में आ जाए, और जितना आपने कॉर्नर छोड़ना चाहते हैं उस उतना ही आप उस कॉर्नर तक इस गोल्डन कलर को ले जा सकते हैं। ये इस पे चाहें तो बाद में आप शिमर वगैरह कुछ भी, हाइलाइटर, शिमर डस्ट, स्पार्कलिंग डस्ट या ग्लिटर कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आज बिल्कुल बेसिक सा मेकअप कर रहे हैं तो बिल्कुल हम सॉफ्ट सा रखेंगे। और अब ये हमारे पास एक थोड़ा सा कॉपरिश सा कलर है, शिमर में कॉपरिश कलर है, और ये अब आउटर साइड पे लगा देते हैं। ये भी ब्रश को वेट किया है और वेट करने के बाद बिल्कुल आउटर साइड पे लगाते हैं, या जहाँ पे हमारा ये कॉर्नर बना हुआ है ब्लैक उसके उसे थोड़ा सा हट ऊपर की तरफ ले ले के हम, और गोल्ड के साथ इसको हल्का हल्का सा सेंटर में ब्लेंड कर देंगे। और उसके बाद फिर आँख में हमने ये वाइट पेंसिल लगा दी इस तरह से, छोटी उंगली के साथ आँख को नीचे की तरफ लिफ्ट किया, और ये पेंसिल के साथ इनका जो वाटर लाइन है उसमें हम ये वाइट पेंसिल वाइट वाइट कलर पेंसिल के साथ डाल दिया। अब ये हाइलाइटिंग कलर है हमारे पास, हाइलाइटिंग डस्ट है ये, लिडे सॉरी ब्रो बोन जो हमारी होती है हाइलाइटिंग जिस पे की जाती है, यहाँ पे ये हम लगा देते हैं हाइलाइट करने के लिए। तो ये देखिए अब आपको, और ये जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट के ऊपर तक आप इसको लेके जा सकते हैं, इस पे पहले सॉकेट तक इसके ऊपर हल्का सा ले जाएं और उसके बाद फ़ैन ब्रश की मदद से सॉकेट को नीट कर दें, तो ये बड़ा खूबसूरत इसके ऊपर इफेक्ट आता है, बड़ा स्मूथ सा और बड़ा ब्लेंडिंग सा इसके ऊपर इफेक्ट आ जाता है। ये देखें, एक लाइन नज़र नहीं आती, बड़ा ब्लेंडिंग सा इफेक्ट आता है। तो ये भी एक टिप थी। अब ये ब्राउन कलर लिया है मैट में, और ये जो हमारा पेंसिल ब्रश था, थोड़ा सा ब्लेंडिंग पेंसिल की शेप में होता है ब्लेंडिंग ब्रश, इसकी मदद से आँख के नीचे इसको लगा लिया, और नीचे लगा के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। आँख के अंदर हमने वाइट पेंसिल डाली है और लोअर लैश लाइन के नीचे ये हमने ब्राउन कलर जो था, मीडियम ब्राउन सा कलर था, वो लगा लिया। अब मस्कारा लगा लेते हैं। मस्कारा लगा आई लैशेज लगाने से पहले मस्कारा लगा लेना चाहिए, उससे ये होता है कि हमारी जो लैश है वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है, तो उसके ऊपर फिर
एक ब्रिज सा बन जाता है, तो उस पर फिर हमारी जो लैश है वो बड़ी अच्छे तरीके से स्टे कर जाती है और ग्रिप कर जाती है। लेकिन मस्कारा लगा के थोड़ा सा वेट ज़रूर कर लिया करें ताकि मस्कारा ड्राई हो जाए, उसके बाद फिर लैश की एप्लीकेशन करें। गीला गीला मस्कारे पे जब लैश लगाते हैं तो वो फिर बहुत प्रॉब्लम करता है। तो ये हमने देखें, लैश ग्लू लगाई है, लैश के ऊपर ग्लू लगा के हमने इस तरह से अपने लैश को अपने इसके ऊपर रोक रखना है, और ऊपर से आपने प्रेस नहीं करना, कॉर्नर से आपने नीचे से इसको प्रेस करना है। नीचे से जब आप इसको प्रेस करेंगे तो लैश बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉर्नर में फिक्स हो जाएगी, जो कॉर्नर से अक्सर उखड़ जाती है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये देखें, हमने एकदम इसकी आँख भी खोल दी है, लेकिन कहीं से कोई चिपकी नहीं है, कुछ इस तरह का इशू नहीं बना है। और अब ये लाइनर के साथ, ये इनर कॉर्नर जो है, लाइनर से इसको हम फिल कर लेते हैं, आँख का जो इनर कॉर्नर है उसको फिल कर लेते हैं, और फिर बाकी आँख पे हम कॉर्नर टू कॉर्नर लाइनर लगा लेते हैं। बस कॉर्नर, इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक का हम लाइनर लगाएंगे, जहाँ तक हमारा ये आउटर पे ब्लैक कॉर्नर बना है वहाँ तक इसको लाइनर लगा लेते हैं। अब नीचे से भी हम इसी तरह से करेंगे, बिल्कुल आउटर साइड पे लाइनर ब्रश लेके उसमें हल्का सा लाइनर लिया और उसको लाइनर को ब्लेंडिंग करते हुए लगा रहे हैं। एक लाइन नहीं होनी चाहिए, ब्लेंडिंग के साथ आउटर पे लगा रहे हैं। और अब ये हमारे पास ये डल गोल्ड शिमरिंग पेंट है, और ये हमने एक बारीक ब्रश लिया और उसको वेट करके ये शिमरिंग पेंट जो है, ये इनर जो हमारी इनर से जो हमारी लोअर लैश लाइन है इनर वाली साइड पे, वहाँ पे हमने ये लगा लिया। और अब जो इनर कॉर्नर होता है उसको हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइट के लिए मेरे पास एक सिल्वर सा कलर है, वो हम ये लगा लेते हैं यहाँ पे, और ये बस इनर कॉर्नर में लाइट लाइट सा हमने ये सिल्वर सा कलर लगा लिया, उससे ये हाईलाइटिंग हो जाती है। वही कलर हम ब्रो बोन पे लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि ब्रो बोन थोड़ी सी और हाईलाइटिंग की तरफ चली जाए, उसमें थोड़ी सी और प्रोमिनेंट हो जाए। अब हम आईब्रो को ड्रॉ करते हैं, और आईब्रो ब्रश के साथ आपने ब्रश की मदद से इसको चेक करना है, इस तरह से नोज़ की और एक लाइन रख के, कि अगर आपकी आईब्रो बाहर की तरफ है तो थोड़ा सा उसको अंदर से ड्रॉ करें, अगर ब्रश से अंदर की तरफ आ रही तो फिर आप उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ ड्रॉ करें। तो ये थोड़ी सी आईब्रो इनकी शॉर्ट थी, हमने इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाया है, इनर वाली साइड से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाया, और डार्क ब्राउन जो हमारा कंटूरिंग वाला कलर होता है उसके साथ आईब्रो ड्रॉ करें। पहले एक ये इसको ड्रॉ करते हुए बिल्कुल ऊपर की तरफ ले गए, फिर आर्च की सूरत में उसको नीचे की तरफ ले आएँ। तो ये हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी हर तरह के मेकअप और हेयर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।